अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, कुछ अहम खबरें भी हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 28 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। अलामिया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सियासी जमातों की दरख्वास्त पर किया है। इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे वकार सईद से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह जो है वो एक अहम इजलास हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद में जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसका जो है वो रिवाइज शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है, और उसके मुताबिक पोलिंग जो है वो अब 29 सितंबर के बजाय जो है वो 9 अक्टूबर को होगी। जबकि आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज था, जिसको नए शेड्यूल के मुताबिक जो है वो अब 28 अगस्त तक जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जा सकते हैं। जबकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन 29 अगस्त को जो है वो इब्तदाई फहरिस्त जो है वो उम्मीदवारों की जारी करेगा। 4 दिन जो है वो स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। 3 दिन जो है वो मुख्तलिफ जो स्क्रूटनी पर जो कागजात नामजदगी पर इतराजात होंगे वो जो है वो सुने जाएंगे और उस पर फैसला किया जाएगा। उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनको कुल जो है वो 22 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है कि 22 दिन में वो अपने जो इंतखाबी मुहिम है वो चला सकेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की जानिब से जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौसूल हुई थी उसके बाद ये फैसला किया है कि जो बलदियाती इंतखाबात का रिवाइज जो है वो शेड्यूल जारी किया जाए, और उस रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक अब पोलिंग जो है वो 9 अक्टूबर को होगी, जबकि नतायज जो है वो 12 अक्टूबर तक मुरतब किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आपका।